हाईसैट 24 आवर्स रेडियो चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दबंग लोगों की इतनी दबंगई बढ़ती जा रही है कि सुमन देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये मामला थाना नारकी बचगांव का है। पीड़ित ने बताया है कि दबंग लोगों ने अपनी दबंगई से मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मेरे लड़के को 40 बोरी सीमेंट की चोरी में थाना नारकी में पकड़वा दिया है। जबकि मेरा लड़का SDM टुंडला ने प्रार्थना पत्र पर आदेश किए थे, उसको देने के लिए थाना नारकी गया हुआ था और पकड़कर बैठा लिया गया। ये थी वीर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आपके द्वारा बताया गया कि थाने में बैठा लिया गया, पूरा मामला क्या, क्यों बैठा लिया गया थाने में? मेरी चौराहे पे, सीमेंट चौराहे पे जगह है रोड के, है ना, किनारे है ना, वो कई जगह पे दीवार लगाई है उन लोगों ने, है ना, ठाकुर लोग हैं और है ना कई लालड़ी के कई वगैन सवाल है, इन लोगों ने दीवार लगाई है जबरदस्ती से, है। और मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने हम दीवार रुकवा दी, रुकवाए के बाद में और ये फिर 2 दिन तक दीवार मतलब रुकी रही, हम नहीं माने वे लोग, हम फिर 3rd दिन फिर शुरू हो गई दीवार, है ना। मैंने कही फिर मैं माँ गई कि माँ पे टूला तहसील गई, है ना, मतलब मैं कागज़ बनवाए के लाई, है फिर वो मैंने कागज़ मतलब आया मेरा लड़का जमा करने के लिए यहाँ पे नारकी थाने में, है ना, मेरा लड़का बैठा लिया मेरा लड़का बैठा लिया थाने, है ना, सीमेंट की बारू की मतलब उसके पास मतलब चोरी लगा दी, ना 40 कट्टा सीमेंट चुरा लिया है इसने। किसने चुरा लिया 40 बोरी की, है ना, अगले इसने मेरे लड़के का नाम ले दिया है, इस चक्कर में बैठा लिया है। कौन सा गांव है आपको? मेरा गांव बचगांव है। क्या नाम है आपको? नाम क्या है? मेरा नाम है सुमन देवी। आपके पति का नाम? पति का नाम है लक्ष्मी नारायण। सर इसके बारे में हम यही कहेंगे कि इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो थाना है, पुलिस है, और यहाँ ये आंटी जी निकले हम आए हुए हैं, तो ये तो पूरी बेचारी गरीब असहाय हैं, जबरन इसके इनके जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया गया है और इनका मुकदमा भी डालने की धमकी दे रहे थे। ऐसे हिसाब से हमने अभी अपील की थी तो बोल रहे थे कि इनका मुकदमा डाल दो, और चालान भी किया 151 ओनली सिंगल पार्टी पे, जो कि देखा जाए तो अवैध है, दोनों पार्टी पे करना चाहिए था, एक पे ही कर दिया है। आए दिन सर देखो बाइक चोरी हो जाती है, ये भैया की बाइक चोरी हो गई है, हमारे गाँव में 2 भैंसें चोरी हुई, 3rd-4th दिन कोई ना कोई चोर आ जाते हैं, इसका मैं ज़्यादातर दूंगा तो सब जिम्मेदार पुलिस ही है, और यही बोलना चाहूँगा। इन आंटी का क्या पूरा मामला है? इनका मामला था, ये गई हुई थी टुंडला, SDM साहब ने इनका ऑर्डर दिया, मैंने पढ़ा था उसमें, ये इनका ज़मीनी विवादी मामला था, ये आई हुई थी सुबह, रो रही थी हमसे आके, इनका लड़का यहाँ पे मतलब SDM साहब ने एक ऑर्डर दिया था, उसमें दिया था कि इनका ज़मीन जो है वो इनको दिया जाए, और आख्या करें उसमें लिखा हुआ है कि जो ये आपके लेखपाल साहब हैं वो 3 दिन के अंदर में इसका आख्या प्रदान करें, लेकिन लेखपाल साहब ने 3 तारीख से आज तक कितने दिन हो गए कोई भी आख्या नहीं दी है, और जब ये यहाँ थाने में आई हुई थी तो वहाँ देखा गया है कि इनका लड़का आया था कि यहाँ पर जो आपका मतलब हमारा जो ज़मीन है उसको हमें दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया उसको भी बिठा लेके रख दिया और उस पर केस लगा दिया कि इसने सीमेंट चोरी किया है। भला एक आदमी 40 बोरियां कैसे ले जा सकता है? ऐसे साहब अभी बोल रहे थे मेरे से कि 40 बोरियों का उस पर एक जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे तोड़ सकता है, और तोड़ने गया तो किसी ने देखा नहीं, कोई देख भी तो रहा होगा ना। सर मैं यही चाहूँगा कि आए दिन जो ऐसी घटनाएँ हो रही हैं उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए और हम सबको जागरूक। क्या नाम है आपको? मेरा विनोद कुमार गौतम हूँ मैं सर, मैं किसान यूनियन जो है अखिल भारतीय किसान यूनियन उसका युवा महासचिव हूँ फिरोजाबाद का।